गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो आप, अपनी चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यमुनोत्री से निकले हैं, निकले तो काफ़ी पहले थे, लेकिन सेम रूट दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही रूट जाते वक्त कवर कर दिया था। अभी हम निकलेंगे, अभी पहुंचने वाले हैं बरकोट। बरकोट यहाँ से 5 किलोमीटर समथिंग है, और वहाँ से रूट अलग हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री के लिए। तो बरकोट से गंगोत्री का रूट आपको दिखाएंगे, और वहाँ गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे आपको। चार धाम यात्रा जैसे कि आप जानते हो ओपन हो चुकी है, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के अनुसार। अभी जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा आपको बताते रहेंगे। इंजॉय करो आप रास्तों का। यहाँ से दोस्तों अपना नया रूट शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये ऊपर गंगोत्री की तरफ सीधा उधर, और ये रूट जाएगा गंगोत्री की तरफ। रास्तों को एंजॉय करो, ऐसे ही खूबसूरत रास्ते दिखाते रहेंगे आपको। देखो वादियों का मज़ा लो। अभी सुबह 8:30 हुआ है टाइम, और रास्ते देख लो। वो देखो दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही है। पता नहीं कैमरे में कैद हो पा रही है क्या नहीं, लेकिन नज़ारा देखो यहाँ से कितना खूबसूरत है। ये देखो हमारे साथी राइडर, जो हमारे साथ पूरी चार धाम यात्रा करेंगे साथ साथ। जैसे हाइट पर चढ़ते जाते हैं दोस्तों, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, और काफ़ी हाइट पे आ गए हैं अभी ये। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जैसे जैसे नए नए रास्ते, नया नया सफ़र, और मौसम भी हर पल रंग बदल रहा है अपना। कभी धूप, कभी बादल, ऐसे रंग बदल रहा है मौसम अपना। और अभी बिल्कुल हाइट पे आ चुके हैं हम पहाड़ी की, और यहाँ ठंड है अभी, ठंडी ठंडी हवा लग रही है बिल्कुल बाइक पे। बाकी वाले राइडर को अभी जैकेट पहन लिया, अभी तक निकाले हुए था। यहाँ से गंगोत्री 162 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और अभी हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों राड़ी टॉप। हाइट पे है ये, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है राड़ी टॉप। देख लो ठंड बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। यहाँ से गंगोत्री 160 ऐसा कुछ पड़ता है, काफ़ी हाइट पर आएगा दोस्तों। जैकेट के अंदर से भी हवा लग रही है। राड़ी टॉप बोलते हैं इसको, राड़ी टॉप। ये देखो बादल दिखाई देंगे आपको सामने, ये देखो, ये देखो यहाँ से नज़ारा। नज़ारों के साथ साथ राइड भी करनी है दोस्तों, आप इंजॉय करो रास्ते को। पता नहीं दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन कोप के कारण, लेकिन काफ़ी गहराई है नीचे, और ये टॉप से नज़ारा देखो, बादल भी नीचे लग रहे हैं। अभी यहाँ से चलेंगे दोस्तों, देखते हैं किस टाइम पहुंच पाएंगे। अभी थोड़ा बीच में मौसम और प्रकृति का आनंद लेते हुए ऐसे बीच में रुकते डटते रास्ते का एंजॉय करते हुए निकलेंगे। आप दोस्तों को बीच बीच में जो आता जाएगा दिखाते रहेंगे।
बने रहिए वीडियो में। और अभी आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री की तरफ, रास्ते में जैसे भी नज़ारे आएंगे आपको दिखाएंगे। देख लो दोस्तों रास्ते, इतने खूबसूरत रास्ते बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में। बड़े सक्रिय कीड़े जरूर हैं लेकिन रास्ते ठीक है, नया रास्ता है, बिल्कुल ये रास्ते बिल्कुल साफ हैं। जिग जैग करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आए तो आप आराम से चलाएं, रास्ते का आनंद लें और अपनी बाइक गाड़ी को आराम से ड्राइव करें। देखो प्रकृति का मजा लें, ऐसे ऐसे मोड़ें, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड स्लो हो गया है। सभी भक्तों को चार धाम की यात्रा करा देंगे अगर परमात्मा ने साथ दिया तो। अभी गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों वादिया, नीला नीला आकाश, पर्वत, यहाँ से दरासू बैंड है 7 किलोमीटर, उत्तर काशी 34 किलोमीटर। देखते जाओ दोस्तों आगे आगे आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। सुबह का चल ही रहा हूँ मैं भी, प्रकृति का मजा लेते हुए, बीच बीच में पैच खराब है। ये दोस्तों दरासू बैंड, यहाँ से एक रास्ता गंगोत्री उत्तरकाशी वापस उधर, और ये चलागा तपोभूमि गंगोत्री धाम यात्रा, ये वापस चला जाता है उधर टीली की तरफ, और ये जाता है गंगोत्री धाम तपोभूमि। देखो आसमान का कलर, देखो यहाँ पर कितना गंदा है नजारे। इतना सुबैंड आया अगे हाथ से उत्तरकाशी की तरफ, 26 गंगोत्री 124। और दोस्तों रास्ता अब बिल्कुल साफ रास्ता है, गंगोत्री मार्ग अलग हो गया था यहाँ से, और ये उत्तरकाशी वाला रूट आ गया। ये देखो दोस्तों गंगा रिवर साथ में दारा। हेलो, ये देखो भागीरथी, अभी थोड़ा उत्तरकाशी से निकले हैं, धूप तो तेज है। ये भागीरथी में डैम है, तड़ाके तड़के देखो डैम से पानी बड़ा दर है, ज्यादा पानी तो वहीं से थोड़ा ज्यादा था, वो शायद डैम का ही पानी होगा, पहाड़ी के अंदर से आए। मनेरी डैम है ये, डैम है यहाँ पर पानी का। ऐसे ऐसे वाटरफॉल है बीच में, सुबह से चल रहे हैं दोस्तों। अभी ये छोटा हाथ टी ब्रेक लिया है, अभी यहाँ एक टेम्पल है, अभी टी ब्रेक है, टी ब्रेक लेके मैगी मुगी खा के फिर दिखाएंगे आपको गंगोत्री की यात्रा। ये थोड़ा टेंपल है यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर, ये टेंपल है यहाँ पर एक, तो
देखो दोस्तों रास्ते कितने खूबसूरत और खतरनाक, देखने में काफी खूबसूरत लगे हैं लेकिन सावधानी से चलना चाहिए। मैं 7 बजे चले थे यमुनोत्री से और अभी टाइम हुआ है 1:36 और यहाँ से समथिंग 2 घंटे और लगेंगे गूगल मैप के अकॉर्डिंग 70 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। देखो दोस्तों मौसम बिल्कुल अभी धूप खिल रही थी, अभी मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है ऊपर पहाड़ों में देखो, और हवा है ना जो पहले से तेज भी है और ठंडी भी है। आपको कैमरे में आवाज़ आ ही रही होगी, काफ़ी तेज हवा है और पहले से ठंडी भी हो चुकी है ऊपर पहाड़ों में देखो, मौसम चेंज होने लग रहा है, बारिश शुरू होगी और यहाँ पर कोई रुकने के लिए जगह भी नहीं है। देखते हैं कहीं अगर बारिश से बचने या कुछ मिला तो। रात की रात धूप निकली हुई है यार, बारिश होने लग रही है, मौसम देख लो अर्सिली यहाँ से 29 किलोमीटर, अगर प्रकृति का मजा लेना है ना आराम से गाड़ी को डाल के आराम से लो। देखो धूप लेकिन इससे पानी यहाँ गिरता रहा पूरे रास्ते, बारिश की बूंदे ही आएगा ऐसे मोड है भाई। अर्सिल 26 वाटरफॉल मिलेंगे इस बीच में, ये देखो भाई प्रकृति का मजा लो। घर बैठे चार धाम की यात्रा करा दूंगा दोस्तों आपको, ये देखो नजारे, देखो दोस्तों रास्ता कैसे थे नीचे, अर्सिल अपने आर्मी का पॉइंट है ये नीचे, यहाँ से मात्र 24-25 किलोमीटर दूर है गंगोत्री करमीधरम आर्मी चेक पोस्ट। हाँ जी हरियाणा से, अच्छा ओके जी। 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री, सामने का नज़ारा देखो वादियाँ हैं दोस्तों, आओ कभी मन नहीं करेगा यहाँ से जाने को, ऐसी ऐसी वादियाँ हैं। आसमान का कलर देखो यहाँ बिल्कुल ब्लू, ये देखो दोस्तों नज़ारा देखो, अरे एक तरफ गहरी खाई देखो कितनी गहरी खाई है, जल भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ से नीचे कितनी गहरी खाई है, ये देखो यारों को सलूट है भाई जो ऐसी ऐसी जगह पर रोड मेंटेन किया हुआ है। ये पहुंच गए दोस्तों गंगोत्री
गंगोत्री पहुंच गए हैं, मात्र थोड़ी दूर है बस, ये पार्किंग आ गई। यहाँ देख लो दोस्तों, गंगोत्री टेम्पल कोविड के कर से बंद है। ये क्या बात है, अभी ये है गंगोत्री के आसपास का व्यू। ये है सामने गंगोत्री टेंपल, ये है गंगोत्री टेंपल। चलो माँ गंगा के और दर्शन करा देते हैं आपको। ये है भागीरथी टेंपल, यहाँ पर भागीरथी जी ने बैठकर तपस्या की थी माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए। ये है माँ गंगा, ये देख लो गंगोत्री के आसपास का व्यू। माँ गंगा देख लो दोस्तों, अभी चलने का टाइम हो गया है। ये गंगोत्री धाम, माँ गंगा को देख लो बहते हुए। यहाँ पर भागीरथी जी ने तपस्या की थी बैठ के, ये भागीरथी तीर्थ स्थल और ऊपर माँ गंगे का मंदिर है। कलकल बहती एक बार और आपको दर्शन करा दें। जय बागुंगे।